और हम लोग आपको बता रहे थे मदर्स के लिए जो बहुत डेडिकेटेडली प्लान चाह रहे हैं आपके डिलीवरी होने के बाद वन फुले प्लान अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो ये पर्टिकुलर प्लान आपके लिए आफ्टर थर्ड डे है जब भी आपके डॉक्टर ने आपको अलाउ कर दिया कि आप लोग अभी नॉर्मल खाना सब कुछ खा सकते हो अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो डिलीवरी के बाद इमीडिएटली भी आप लोग इस चीज के साथ प्रोसीड कर सकते हो सो so, आपके फुल डे डाइट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स टिप नंबर वन माई द्विजा का एक प्रोडक्ट कपोल पाउडर ये आपके पास होना चाहिए so, प्रोडक्ट के बारे में बात करो यस yes, कपोल पाउडर ये आपको पेट में जो गोल गोल घूमता है या आप यूट्रस ड्रॉपिंग का जो पेन है वो कम करने में बहुत हेल्प करता है so, सो उस उसके पांच बॉल्स बनाना है तो आपके दिन की शुरुआत आफ्टर डिलीवरी जब भी आप नॉर्मल मील्स चालू करते हो कपोल पाउडर के साथ होना चाहिए है उसका एक गोली सो so, पांच गोली आपको पांच मील के साथ खानी है आप उसको खाते हो ब्रेकफास्ट में लेने के लिए सबसे बेस्ट चीज इज मूंग दाल का चीला सो so, मूंग दाल का चीला मूंग होल मूंग या मूंग दाल को आप लोग भिगो के रख सकते हो उसमें थोड़ा सा गार्लिक कोदी लिटिल ग्रीन चिली जीरा डाल के उसको मिक्सी में पीस दो और उसके डोसा बना के न्यू मदर को खिलाओ इसमें गार्लिक है तो इट विल हेल्प हर फॉर ब्रेस्ट मिल्क इसमें आप लोग जीरा डाल रहे हो अगेन ब्रेस्ट मिल्क में हेल्प होगा मूंग दाल का चीला ये एक ऐसा रेसिपी है जो हाई प्रोटीन है जो रिकवरी में उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर उनको हेड एक हो रहा है, है उसमें भी प्रोटीन उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर वीकनेस फील हो रहा है तो भी वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सो दिस इज अ वेरी नाइस स्टार्ट ऑफ द डे इसके साथ आपको कोई फ्रूट लेना है कोई भी फ्रूट ले लो पोस्ट डिलीवरी मदर्स के लिए बेस्ट फ्रूट जो होता है वो पपाया ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके साथ लड्डू नहीं लेना है अभी के लिए कुछ भी. क्या दो तीन चीजें आप लोग इसके एंड में ले सकते हो ड्राई डेट्स या ड्राई कोकोनट का छोटा सा पीस ये आप लोग जो खाने का पान होता है उसके साथ सो आई एम सिटिंग इन माय गार्डन हम लोग के पास यही पे खाने का पान है सो so,

उसकी वजह से आपके बच्चे के ब्रेन में भी हेल्प होगा, so, बट आप लोग अगर लो। लो करना है होम मेड शतावरी ट्राई करना है तो आप लोग माधुजा का शतावरी ट्राई कर सकते हो विच इज केशर एंड इलायची फ्लेवर सो so, दूध में शक्कर की जगह पे आपको वो डालना है कंपल्सरी है क्या दूध लेना नहीं

आपका एक बॉटल पानी मतलब एक लीटर पानी खत्म हो जाना चाहिए दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है जो आपको ओवरऑल डाइट ब्रेस्ट मिल्क में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उसके बाद लंच लंच में श्रेया क्या ले सकते हैं कुछ सब्जियां घर वाले बोलते हैं बैंगन नहीं लेना है आलू नहीं लेना है ये चीजें नहीं खानी है वो चीजें नहीं खानी क्या ये ट्रुथ है द ट्रुथ इज आप लोग वो सब कुछ खा सकते हो जिससे आपको तकलीफ नहीं होता आपको वो सब चीजें अवॉइड करनी है जिससे आपको गैसेस होता है कॉलिक होता है इनडाइजेशन होता है एसिडिटी होता है थिंग आपको अवॉइड करना है आप लोग स्पाइसी चीजें नहीं खा सकते बिकॉज अगर स्पाइस खाओगे तो वो एसिडिटी को शूट करेगा सो बेसिकली आपके पोस्ट डिलीवरी फेज में आपको इंश्योर करना है कि आप लंच के समय कुछ भी हाई प्रोटीन लो विथ अ गुड अमाउंट ऑफ लीफी वेजिटेबल तो मैं पे इंश्योर करूँ कि समझो आप लीफी वेजिटेबल ले लो मेथी का सब्जी या दिल का सब्जी मतलब शेपू का सब्जी जिसको बोलते हैं सो so, ये दो लीफी वेजिटेबल्स के ऑप्शन और वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अ न्यू मदर बिकॉज वो ब्रेस्ट मिल्क को भी बूस्ट करता है उसके साथ आप लोग बाजरी का भाकरी ले सकते हो अगेन बाजरी इज अ अगर आप लोग बाजरी का भाकरी नहीं है तो जबार का भाकरी ले सकते हो वीक का रोटी ले सकते हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है बाजरी का भाकरी बेटर ऑप्शन सो भाकरी उसके साथ लीफी वेजिटेबल लोग समझते हैं कि सिर्फ लीफी वेजिटेबल ले लिया तो काम हो गया नो no. अगर एक कटोरी लीफी वेजिटेबल और भाकरी ले रहे हो उसके साथ आपको एक कटोरी दाल लेना बहुत ज्यादा ज़रूरी है, कौन से है? थोड़ा सा थिक लेना और आपका लीफी वेजिटेबल्स भाकरी शायद सैलेड लोग साथ में थोड़ा सा सैलेड ले सकते हो एंड योर प्लेटर विल बी कम्प्लीट शायद राइस खा सकते आपका चॉइस है

मतलब आपके लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के लाइनिंग के लिए बहुत पॉजिटिव तो रखा हुआ उसमें आप लोग जीरा पाउडर और काला नमक डाल के बटर मिल्क ले सकते हो अगेन आपके ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर का, का काम करेगा सो तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उसके बाद करीब साढ़े पाँच छह बजे इट्स अ वेरी गुड टाइम जहा पे आप लोगों को फ्रूट लेना है सेकेंड फ्रूट आपने सुबह में एक फ्रूट लिया था यहाँ पे एक फ्रूट फ्रूट आप कौन सा ले सकते हो आइडियली विटामिन सी वाला फ्रूट संतरा कीवी ब्रिलियंट बिकॉज ये आपके ब्रेस्ट मिल्क के क्वालिटी के ऊपर काम करेगा इसके साथ आप लोग छोटा चिक्की का पीस ले सकते हो चिक्की आप लोग ग्राउंड नट चिक्की ले सकते हो अमरंथ या राजगिरा का चिक्की ले सकते हो या आप लोग छे पनीर के पीसेस सोटे करके ले सकते हो या आप लोग uh, सोया बीन्स जो होते हैं जो रोस्टेड सोया बीन्स मिलते हैं वो थोड़े से मंच कर सकते हो या मखाना मंच कर सकते हो सो बेसिकली हाई प्रोटीन अ फ्रूट ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इस टाइमिंग पे लेने के लिए श्रम so, सूप या कुछ अगर मुझे लेना है इसके बाद करीब साढ़े छ सात बजे इट अ वेरी गुड टाइम जहाँ पे आप लोग सूप ले सकते हो बिकॉज साढ़े छ से सात के बीच में यूजली आप बच्चे को बाहर लेके जाते हो आई बी टॉकिंग अबाउट रूटीन एज वेल सो आप लोग यहाँ पे uh, सूप ले सकते हो आपका

और साढ़े सात से लेकर रात को सोने तक या पूरी रात मिला के एक लीटर पानी करीब तीन से चार लीटर पानी पेट में जाना चाहिए दो आर फ्रूटॉर्टेंट हर मील में प्रोटीन पेट में जाना गैलिक इंपॉर्टेंटली तो बहुत स्मार्टली करो तो बहुत सारी जगह पर मैंने गार्लिक एड किया जीरा पाउडर एड किया फिर आप लोगों के डाइट में बटर मिल्क एड किया फिर आप लोगों के डाइट में पपाया एड किया ये सारे प्रेस मिल्क बूस्टर है शतावरी ऐड किया तो वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा रिलैक्स रहो रिलैक्स मदर हमेशा फटाफट रिकवर करती करते, है। करते रहो। अगर आपका least, रूटीन की कुछ चीजें बता सकते हो यस yes, आपको इंश्योर करना है कि पूरे दिन में बच्चा जब भी सो रहा है आप भी बच्चे के साथ सो दिन के समय इंश्योर करो कि बच्चा हर डेढ़ से दो घंटे बाद ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपके पास आए अगर बच्चा दिन में अच्छे से कैलोरीज ले लेगा तो रात का नींद बहुत अच्छे से हो जाएगा शाम के समय पाँच साढ़े पांच बजे आपको इंश्योर करना है कि आप बच्चे को बेड टाइम मसाज स्पंजिंग और आधे से घंटे के के लिए घर के बाहर लेके जाओ दिस विल बी एक्चुअली हेल्प सुबह के समय बच्चे को धूप दिखाना विटामिन डी के लिए दैट विल हेल्प यू बिग टाइम ये हो गए कुछ बहुत बेसिक चीजें जो अगर आप लोग याद रखोगे तो आपका पोस्ट डिलीवरी फुल डे रूटीन विद अ प्रॉपर डाइट बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा अगर आपको हम लोगों से कस्टमाइज्ड डाइट चाहिए कोई मेडिकल इशू के लिए या वेट लॉस के लिए गेट इन टच विद 1000www.mythea.com हम लोग कपल्स को ट्रेन करना है ट्रेन करते हैं प्री प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी वूम विजडम बच्चे का आईक्यू ईक्यू ब्रेन डेवलपमेंट ब्रेन स्टिमुलेशन एक्टिविटीज उसके साथ थर्ड ट्राइमेस्टर रिलेटेड केयर ब्रेस्ट फीडिंग लेबर मैनेजमेंट बेबी केयर